हेलो माय डियर चिल्ड्रन, बाल माधुरी बुक, ओपन द पेज नंबर 15। आज हम करेंगे ए स्वर। क्या करेंगे? ए स्वर। ओके, आज हम इसकी कहानी पढ़ेंगे पिक्चरों के माध्यम से। एकानंद जी, ये कौन है बेटा? एकानंद जी एक तारा, इस बाजे का नाम क्या है? एक तारा बजाते हुए घर नंबर कहाँ पर गए? एक घर नंबर पर गए। क्या करने गए थे वो? हवन करने के लिए जा रहे थे। एक तारे की मधुर आवाज सुनकर, किसकी आवाज सुनकर? एक तारा की मधुर आवाज सुनकर आकाश खुश हो गया। तभी एकानंद जी की एडी, एडी पढ़ते थे ना, एडी में ये देखो क्या चुभ गया, कांटा चुभ गया। वो दर्द से चीख पड़े, उनकी चीख से कुत्ता भी डर गया। आज हमने, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आज हमने कौन सा स्वर किया? ए। ए स्वर की चित्रों के माध्यम से स्टोरी पढ़ी। ओके बेटे, कौन कौन से शब्द थे इसके अंदर? ए के एकानंद, ये लिखा नहीं हुआ पर इनका नाम क्या है? एकानंद। उनके हाथ में क्या है, कौन सा बाजा है? एक तारा, एक एडी। ओके बेटे, आगे हम करेंगे पेज नंबर 16। इसकी भी पिक्चरों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कहानी पढ़ेंगे। ऐश्वर्या और एशली अपने दादाजी के साथ दवाई लाने कहाँ पर गई? दवाखाना, जो मेडिसिन की शॉप होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? दवाखाना। डॉक्टर दादाजी को थर्मामीटर लगाकर कुछ देर के लिए बाहर चला गया। ठीक है, जब हम दवाई लेने जाते हैं तो थर्मामीटर लगाते हैं ना डॉक्टर भी। ठीक है, ऐसे ही उसके दादाजी को, जो डॉक्टर था, वो थर्मामीटर लगाकर बाहर चला गया। एशली ने डॉक्टर का कोट, एशली ने क्या किया देखो, डॉक्टर का कोट पहन लिया और ऐश्वर्या ने क्या कर लिया, एक्सरे उठा लिए और एक चीज़ और डाली उसने, डॉक्टर की ऐनक भी डाल ली। यह देखकर बीमार दादाजी उन्हें मना करने लगे, क्योंकि उसने डॉक्टर के डाले थे ना कोट और ऐनक। ये देखकर दादाजी उसको मना करने लगे, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। चलो ये हम पढ़ते हैं, ये क्या है? एक्सरे। क्या है ये बेटा? एक्सरे, ऐनक। ठीक है, एशली, क्या नेम है इसका? एशली, ऐश्वर्या। ठीक है बेटे, ये आपने अच्छे से इन पिक्चरों के नाम पढ़ने हैं। ओके, बाय, थैंक यू।